तो गाइज हम भोजपुर मंदिर से वन विहार के लिए निकल चुके हैं और रानी कमलावती स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में वन विहार तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को वन विहार भी घुमाने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कौन सी ब्रेक ब्रेक चेक कर लेना कौन सा अच्छा है लग रहा है ना ये इसको निकल। तो गाइस जैसे ही हम वन विहार के अंदर इंटर किए तो सर ने बोला कि हम तीन लोग हैं तो एक स्कूटी में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक स्कूटी और एक साइकिल ले जाने का बोला। तो हमने एक साइकिल ली है डंडे वाली। हटो हटो सामने से हटो रस्ते साइकिल वाला भैया हटो। हाँ ओए निखिल रुक जाओ ओए इस साइड चल इस साइड। हम साइकिल चलाते हुए हमारी आ गए हैं क्रोकोडाइल्स आर ग्रेट क्रोकोडाइल जहाँ पे हमें दिखने के चांसेस है वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा है क्रोकोडाइल आर ग्रेट पेरेंट्स, लेकिन अभी तक हमें कोई क्रोकोडाइल नहीं दिखा है। तो अभी चलेंगे और तो ये स्कूटी में भाग रहे हैं और हमें जाना है अपनी खटार साइकिल लेके। चलो वो गाइस यहाँ पर हमें क्रोकोडाइल का बच्चा दिख रहा है। बच्चा वो सांप है कि मगर का बच्चा जैसा दिख रहा है। सांप है पानी वाला वो लंबा पानी वाला सांप है ये आपको जिसको हमने पा रहा है कि नहीं परसों के दिन पकड़ा था दिख पा रहा है कि नहीं। अभी सांप ही है और किया हाँ वो जूम में नहीं देखा हमको नहीं दिखेगा यहाँ से बबल हाउस देख पाएंगे। हाँ देखे दो तीन है वे दो तीन जगहों पे हो रहा है। चले हाँ कुछ जाते पाए पहली बार सांप देखा है अरे पागल है क्या। तो देख सकते हो अभी तक तो हमको घड़ियाल वगैरह जैसा कुछ दिखा नहीं है बट यहाँ पर पानी में थोड़ा बहुत उछाल है तो इससे हो सकता है कि सांप हो सकता है। और पिछले वाले में आप देख चुके हो कि वहाँ पे सांप भी दिखा था हमको लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ये रहा सर्प उद्यान। अभी हम लोग आ चुके हैं सर्प उद्यान के अंदर और खूब साइकिल चलाई खूब मज़ा आया। उसमें ब्रेक फेल है मैं दो तीन बार रास्ते में उड़ने से बच गया कहीं पे भी घुस जाता है साला साइकिल। तो अभी हम लोग आगे सर्प उद्यान और चलेंगे नई नई प्रजातियों के सर्पों को देखने। पहला सामान्य नाम एरियन कोबरा स्नेक काफ़ी रहा इंडियन कोबरा स्नेक अपना शर्मा रहा है थोड़ा देखने से नीचे कहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ नीचे 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 भाई इधर तो हाँ वो साला इतना लंबा आँख से तो वह इंडियन कोबरा स्नेक तो गाइस भी हमारे से थोड़ा शर्मा रहा है लेकिन बहुत अग्रेसिव है वो ऊपर देखो वो उधर फन फैलाए बैठे हुए धामन साफ कॉमन रेड स्नेक जी अपन को एनसीसी में दिखाया था ना एग्रेसिव रहते हैं पर जहरीले नहीं रहते जहरीले नहीं रहते। क्यों काच है ना लाइट के कारण आ रहा है वो देखो गाइस लाइट के कारण अट्रैक्ट हो रहा है अट्रैक्ट। लाइट को देख के अट्रैक्ट तो होता है ये कुछ भी खाओ ऊपर कर ऊपर कर आजा 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 ऊपर ला 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 उसको ऊपर आजा 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 ना क्या कर रहा है ऊपर का लाइट लाइट ऊपर आजा
ये उसने अपनी वो केच ली पोछ ली। गाइस ये है रसल वाइपर, आप इसके बारे में बता सकते हैं? जिंदा है वो, हिल रहा है वो, वे सो रहा है सलहरा में आदमी। छुप जाता है, देख छुप जाता, दिखता नहीं कैमरा में। उठेगा लाइट देख के वाइब्रेशन समझेगा ये, ऐसे नहीं ये उस दिन एमसीसी में दिखाए थे। अजीकर एक दो है अजीकर भारतीय से लगता है लाइट देख के। कोई उड़ बे, कोई हिला हिल रहा है वो, क्या छुपाएगा इसके अपन को अपने आप? क्या इसका नाम क्या है? दो में ही सर पर दो मुंह है इसका, रेड स्नेक बेस। पीछे वाला हिस्सा भी देखना पड़ेगा इसका। हाँ ये वो दो जो बोलते हैं दो, दो, हाँ बोलते हैं कि 6 महीने इस तरफ से चलता है, 6 महीने इस तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही तरफ से चलता है वो। वही आ जा, हाँ दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि दोनों तीन है मुँह है इसका। हाँ भाई मुँह जैसा ही है, बस मुँह नहीं है, सामने चल रहा है यहाँ से लेते हम तो पापा गेट खुला है वहाँ बच जाएगा अंदर का भाई तो ये छुपा मंडी आजा 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 इधर मैं तेरे को बुला रहा हूँ आजा। ये क्या है? टर्टॉइस। कैसे देख रहा है? देख गम्मी डूबा हुआ आसिक सो रहा है, अभी निकाले टांगा भी, अभी भागने वाला है थोड़ी देर में। वही गम्मी डूबे हुआ आसिक इधर देख ले, अभी कैसे देख रहा है? देख तो तू एक तरफ मुँह करके पैर बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। साइकिल चला कैसा लग रहा है निखिल? क्या क्या लगता है कितने साल का होगा ये? पसंद है तालाब जहाँ पर हमें अभी कुछ तो दिखा नहीं है, बस वहाँ पर कुछ दिख रहा है बट वो लकड़ी है। तो गाइस साइकिल की चेन उतर गई है और ये हमारे अभी हम आ चुके हैं बाघ के क्षेत्र में और यहाँ पर अभी हम मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी किस्मत ठीक है या नहीं, कि हमें बाघ देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अभी, और यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाया जाता है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं तो आप पढ़ लेना, रुको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर वाइट टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी है तो देख लेना। अभी मेरे को तो नहीं देख लिया साले ने, वाइट टाइगर बोल रहे। तो गाइज हमारी किस्मत आज अच्छी है, वो देखो बंगाल टाइगर बैठा है बढ़िया। ये देखो आराम कर रहा है, आराम कर रहा है, बुलाने की कोशिश करेगा आ सकता है, पर इतनी अच्छी किस्मत, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं चाहिए कि पास से देखे उसको। ये है पैंथेरा जबलपुरिया, जबलपुर से लाया गया है तेंदुआ और चीता, डिफरेंस पढ़ लेना। बात चल रही है इन लोगों की, छोटा झील बोलते हैं क्या? कि दूसरी है ये बड़ी झील है, ये जबल भोपाल शहर से टिकी हुई है, मतलब एक ही है राइट साइड में, देख राइट साइड वाला वो देखो घूम रहा है। हम लोग आए हैं गौर को देखने, हमारे दोस्त प्रवीण गौर, हमारे दोस्त प्रवीण गौर इस जगह में रहते हैं।
चलो देखते हैं। यहाँ पे गौर तो नहीं दिखा, बस मोर दिख गया। देखो इधर क्या मोर है, गौर या भारतीय बाइसन, इसको आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। तो चलते हैं अभी सामने। बोट चालक कल्याण समाधि जाने वाले बोटिंग करने, ये लाइफ जैकेट पहन लिया है हमने। तैरना आता है तो फिर क्यों पहन रहे लाइफ जैकेट? नहीं लाइफ से बिल्कुल नहीं। इस साइड से आ गए बोट पे, पूरा लास्ट में। स्पोर्ट्स वाले हैं वो, नाव का एक स्पोर्ट्स नहीं होता है क्या? वो कर उसकी प्रैक्टिस कर रहे लोग। भाई ये बड़ा अंधेरा आ रहा है, ब्राइटनेस अच्छा है।